हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम हिबा फ्रॉम डॉक्टर मनवीर भाटिया क्लिनिक सो आज हम मीडियन नर्व के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हम मीडियन नर्व की एनाटॉमी के बारे में मीडियन नर्व में इंजरी के बारे में इंजरी के क्या कॉज हो सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे या मल्टीफोकल न्यूरोपैथी क्या होती है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे सो so, मीडियन नर्व इज़ अ मेजर पेरिफेरल नर्व है मीडियन नर्व इज़ द मेन सेंसरी नर्व ऑफ द हैंड मीडियन नर्व ऑरिजिनेट फ्रॉम लेटरल एंड मीडियल लेटरल सी फाइव सी सेवन एंड मीडियल सी एट टी वन मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व इन हैंड तो उसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट इज मोटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन तो मोटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मसल ऑफ द थीनर एमिनेंस एंड लेटरल टू फर्स्ट एंड सेकेंड लुम्ब्रिकल्स आता है सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्किन ऑफ द लेटरल हाफ ऑफ पाम सेकेंड इज पामल सरफेस ऑफ लेटरल थ्री एंड हाफ डिजिट्स इंक्लूडिंग डोर्सल सरफेस ऑफ देयर डिस्टल फैलेंजेस तो ये मोटर और सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है मेडियन का मीडियन नाम एक ओनली एक ऐसी नाम है जो कार्पर टनल के थ्रू पास होती है हम इसको आई ऑफ द हैंड भी कहते हैं Uh, क्यों कहते हैं बिकॉज अगर मीडियन नर्व में इंजरी हो जाए या मीडियन नर्व डैमेज हो जाए ड्यू टू एनी कॉज तो उसकी जो एबिलिटी है एबडक्ट एंड अपोज करने की थम को वो लॉस्ट हो सकती है uh, या फिर थिनर मसल की पैरालिसिस के वजह से भी वो लॉस हो सकती है सिम्टम्स ऑफ मीडियन नर्व इंजरी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मीडियन नर्व में अगर इंजरी हो जाए अगर इंजरी अबव द एल्बो हो तो उसकी वजह से डिफिकल्टी और इनेबिलिटी हो जाती है हैंड को टर्न करने में फ्लैक्स द रिस्ट को डाउन करने में या फिर टिंगलिंग नमनेस इन फॉर आर्म थम एंड थ्री एट फिंगर्स में टिंगलिंग नमनेस हो सकती है पेन हो सकता है इंजरी की वजह से वीकनेस हो जाती है ग्रिपिंग में इनेबल टू मूव थम को मूव नहीं कर पाते हैं वेस्टिंग हो जाती है मसल्स में और जो इसके मोस्ट कॉमन इंजरी है इन्वॉल्विंग जो मीडियन नर्व को इन्वॉल्व करती है वो कार्पल टनल ही है कार्पल टनल में अगर कंप्रेस्ड हो जाए ड्यू टू टू मच प्रेशर की वजह से तो uh, फिर कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है इसके अलावा एक प्रोनेटर टेयर्स सिंड्रोम है जिसमें मीडियन नर्व कंप्रेस्ड होती है बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेयर्स मसल में मसल और उसकी वजह से पेन हो सकता है हैंड्स में कॉज ऑफ मीडियन नर्व इंजरी क्या कॉज हो सकते हैं मीडियन नर्व में इंजरी के तो फर्स्टली मीडियन नर्व पॉलिसी हमारी uh, हो सकती है डीप पेनेट्रेटिंग इंजरी अगर हो जाए आर्म में फॉर आर्म में और रिस्ट में तो हमारी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है इफ कंप्रेशन ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाए कार्पल टनल जैसे कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से कार्पल टनल डैमेज हो जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है स्ट्रेचिंग की वजह से इंजरी हो सकती है नर्व में अगर कोई कट लग जाए आ, मतलब आ, कट की वजह से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता तो भी मीडियम नर्व में इंजरी होने का कॉज होता है सो so, uh, ये सिम्टम्स थे मीडियन नर्व की इंजरी के और कॉज थे कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं uh, इसके अलावा uh, एक था हमारा मल्टीफोकल न्यूरोपैथी मल्टीफोकल न्यूरोपैथी क्या होता है uh, ये रेयर न्यूरोपैथी है और प्योरली मोटर न्यूरोपैथी होती है मल्टीफोकल मोटर न्यूरोपैथी होती है uh, ये इसमें ये प्रोग्रेसिव एसीमेट्रिक मसल वीकनेस एंड एट्राफी हो जाती है इसमें मल्टीफोकल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं क्रैम्पिंग इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है रिस्ट्रॉप हो सकता है ट्रॉफी ऑफ अफेक्टेड मसल्स में ट्रॉफी हो सकती है फैसिकलेशन हो सकता है हैंड ग्रिप ठीक से नहीं बन सक बन पाती है ट्विचिंग टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है